विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वालामा की ज्योतियों के दर्शन किए और साथ ही मां का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर के प्राचीन तालाब में सैकड़ों महिलाओं ने अपने घर की सुख शांति व परिवार की रक्षा करने के लिए बेड़े बितारे और कामना की कि विष्णु भगवान सभी के बेड़े भवसागर से पार लगाए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योति के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर के प्राचीन तालाब में सैकड़ों महिलाओं ने अपने घर की सुख शांति व परिवार की रक्षा करने के लिए बेड़े भी तारे और कामना की कि विष्णु भगवान सभी के बेड़े भव सागर से पार लगाए। मंदिर में समस्त पुजारियों की तरफ से 51 किलो चावल व माँ की खिचड़ी मूली कंडा व दही का भोग पहले माँ को लगाया, फिर सभी बाहर से आए श्रद्धालुओं में खिचड़ी का भोग भी बांटा गया। पुजारी सौरव शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर 51 किलो चावल व माँ की खिचड़ी मूली कंडा व दही का भोग ज्वाला माँ को लगाया गया और फिर सभी भक्तों में भी बांटा गया। हम ज्वाला माँ से यही कामना करते हैं कि माँ ज्वाला की कृपा समस्त भक्तों पर रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो। आज ज्वालामुखी मंदिर में कार्तिक मास की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में स्वस्थ पुजारी वर्ग द्वारा 51 किलो चावल और माह के दाल की जो है खिचड़ी माँ के प्रसाद के रूप में बांटी गई। माँ ज्वाला की असीम कृपा समस्त भक्तों पर बनी रहे और पूरे विश्व का कल्याण। जय माता दी।